ये क्या, ये तो फाउल माना जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने पानीपत सिटी थाना के जिस एसएचओ बलराज को रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड करवा दिया, अगले दिन दूसरे एम्बुलेंस चालकों ने एसएचओ के समर्थन में प्रदर्शन कर शिकायतकर्ता अमरजीत मान को ही झूठा बताया। ये भी कहा कि उसके खिलाफ तो पहले ही कई मुकदमे चल रहे हैं। जरा सुनिए। ये जी, कल अमरजीत मान जो एम्बुलेंस चालक है वो गृह मंत्री जी के पास पेश हुआ और उन्हें झूठे आरोप लगाए इंस्पेक्टर साहब के ऊपर। भाई हमसे ऐसे ऐसे 10,000 रुपए पर गाड़ी रिश्वत मांगते हैं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, क्योंकि ना तो जिस एसोसिएशन का वो बता के प्रधान अपने आप को पेश हुआ है, ऐसी कोई एसोसिएशन पानीपत में है ही नहीं एम्बुलेंस वालों की। पहली बात तो यही झूठ है, कोई एम्बुलेंस की एसोसिएशन नहीं है जिसका वो प्रधान बना घूम रहा है, बदनाम कर रहा है सभी को, एम्बुलेंस चालकों को, ऐसा कुछ है ही नहीं। और दूसरी चीज, हमसे कभी पैसे नहीं मांगे सभी एम्बुलेंस चालक, अपने अपने एफिडेविट लगा रहे हैं। ये बिल्कुल झूठे आरोप लगाए गए जिनके ऊपर। गौरतलब है कि गृह मंत्री के शनिवार को लगे खुले दरबार में अमरजीत मान ने एसएचओ पर 15 एम्बुलेंस वालों से 10,000 रुपए की मंथली मांगने और ना देने पर गाड़ी बंद करने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। अगले दिन तस्वीर का पन्ना पलट गया। इस मामले में पुलिस अब जांच करके सच्चाई का पता लगाएगी। मिलेंगे जी, किससे? साहब के पास जाएंगे, अनिल विज साहब के पास जाएंगे, मंत्री के पास जी। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले प्रदेश के मंत्रियों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत आने पर मंत्री उन्हें मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश देते रहे। इनमें कई कर्मचारी बिना उनका पक्ष जाने और जांच के उन्हें सस्पेंड करने को सामाजिक तिरस्कार और सर्विस रिकॉर्ड खराब करने की अपील लेकर हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट के आदेश पर बहाल होकर वापस आ गए। जांच और आरोपी का पक्ष जाने बिना किसी को यूं ही सस्पेंड करके अपमानित करने से सरकार की छवि भी खराब हो रही है। इसलिए नियम कायदों का ध्यान तो सभी को रखना ही चाहिए। टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।